वेलकम टू मिनल्स वर्ल्ड। सो आज हम लोग आए हैं बच्चों की बहुत ही ज्यादा पसंदी वाली जगह पे, तो वो है टिक-टाक एसएल वर्ल्ड में है वो। तो यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं टिक-टाक-टो में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक इट। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं इसका शॉर्ट्स डालने वाली हूँ, रील्स डालने वाली, तो आप लोग भी वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलिए तो फिर अभी हम लोग एंट्री करने वाले। सो हम लोग रहते हैं थाने में, थाने से अभी हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा हमें एसएल वर्ल्ड पहुँचने में। तो ये जो हमारा रास्ता है बाय रोड ही है, तो इसीलिए हम लोगों ने कार लिया। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो बोरीवली स्टेशन पर उतर के वहाँ से जेट्टी वगैरह करके आप वहाँ से आ सकते हो। अभी हम लोग कार से आ चुके हैं। अब हमने एंट्री कर ली है एसएल वर्ल्ड की एरिया में। यहाँ से अभी आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में जो पार्किंग है, यहाँ पर आपको कार पार्किंग वगैरह करके यहाँ से आप निकल सकते हो। सो हमने अभी कार पार्क कर ली है, यहाँ पे हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे एसएल वर्ल्ड ने एक वेलकम बसेस प्रोवाइड की है। ये फ्री बसेस है, तो ये बस का स्टॉप है, तो यहाँ से बस आपको पिक करेगी एंड ड्रॉप भी यहीं पे कर देगी। तो ये रही जो सामने बस आ रही है वो है वेलकम बस, तो इसमें आप चढ़ के आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब हम आ चुके हैं बस के अंदर, तो बस से अभी हम लोग लगभग बस 5 ही मिनट का डिस्टेंस है एंड हम लोग हमारे लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। तो ये रहा वो लोकेशन, तो वो है एसएल वर्ल्ड का जो वाटर किंगडम है, बर्ड पार्क है एंड टिक-टाक-टो। तो ये सारी चीज़ें यहीं से आपको मिल जाएंगी। तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एसएल वर्ल्ड के टिक-टाक-टो एंड बर्ड पार्क के अंदर। सो है यहाँ से अभी हमें अंदर जाना है गेट की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चे कितने एक्साइटेड है। मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या है। ये टिक-टाक-टो जो है ये है बेबी प्ले जोन, प्ले एरिया किड्स टॉडलर एंड बड़े बच्चों के लिए भी है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड उसके टिकट्स वगैरह सब कुछ है वो भी हम लोग देखेंगे। सो लेट्स गो। तो ये जो है ये है एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क का एंट्री गेट। तो यहाँ से हम लोग बर्ड पार्क के अंदर जा सकते हैं, बट हम लोग ये बाद में जाने वाले हैं। उसके पहले हम लोग प्ले जोन में जाएंगे जो कि है टिक-टाक-टो, तो उसका टिकट भी यहीं पे मिलेगा। तो यहीं पे दोनों के टिकट मिल जाएंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले टिक-टाक-टो का टिकट देखेंगे। तो उसका जो टिकट है वो है 700 रुपीज़ पर पर्सन, वो एडल्ट हो या फिर चाइल्ड हो। तो इसमें एक मिनी मील भी फ्री देंगे, तो वो भी आप लोगों को मैं वीडियो में दिखा दूँगी। सो एंट्री मिल गई है, टिकट्स हमें मिल चुके हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं टिक-टाक-टो के अंदर। तो ये रहा गेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वही पुराना जो एसएल वर्ल्ड था वही वाला है, वहीं से आपको अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपके टिकट्स चेक होंगे एंड बैग भी चेक होगा, जैसे कि फूड वगैरह अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ से एंट्री लिया है, यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं। पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे। अब सीधा एंट्री करेंगे हम लोग टिक-टाक-टो में पहले जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बर्ड पार्क में। सो दोनों आज ही करेंगे। यहाँ से बहुत ही आवाज़ आ रही है, अगर आप सुन सकते हो तो, बर्ड्स की। ये है बर्ड पार्क, तो ये बाद में अपन जाएंगे। चलो अब यहाँ से सीधा आगे, यहाँ पे सारी जगह पे डायरेक्शन दिया है, सो इजीली हम जा सकते हैं। तो फिर ये आ गया है टिक-टाक-टो। चलो टॉक, चलो लेट्स गो रन। ये रहा टिक-टाक-टो। यहाँ पे अभी हम लोग को अंदर जाना है, लेट्स गो। आ गए हम यहाँ पे टिक-टाक-टो। हेलो, गुड आफ्टरनून। ओके, हाँ ओके। सॉक्स है ना? हाँ हाँ सॉक्स है। ओके ठीक। सो
गाइस यहाँ से हमने एंट्री की है, आते ही यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन एक्वाटिक किया है, बिकॉज ये पूरा का पूरा थीम ही जो है एक्वा थीम किया हुआ है, सो नाइस थीम। सो यहाँ पे बैठ के फोटो वोटो खिंचा सकते हो, अच्छा सा डेकोरेशन है। ये है टिकटैक टॉप, वहां पे समायरा खेल रही है, एंड देन ये बहुत ही बड़ा प्ले एरिया है गाइस, ये प्ले जोन जो है बहुत ही अच्छा खासा बड़ा प्ले जोन है। सो देखते हैं हर एक एक्टिविटीज में क्या है। यहाँ पे पेरेंट्स को बैठने के लिए वहां पे कैफे एरिया, यहाँ पे ये कैफ़े एरिया अच्छा बनाया है, तो पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे आप वेट कर सकते हो एंड बच्चे वहाँ पे नीचे खेल सकते हैं। ये जो टिक टैक टॉट है ये मुंबई का लार्जेस्ट यूनिक एक्सपेरिमेंटल प्ले एरिया है फॉर टॉडलर्स एंड किड्स, एंड ये इसका जो एरिया है ये 20,000 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है, और यहाँ पे 150 प्लस एक्टिविटीज़ है, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, बच्चे यहाँ पे दिन भर खेल सकते हैं, नो टाइम फॉर लिमिट फॉर किड्स, तो यहाँ पे बच्चे जितना चाहे उतना टाइम दिन भर खेल सकते हैं। इसके अंदर जाके वहाँ से वापस बाहर निकल के वो वाले होल से ये ऐसे आ सकते हैं बच्चे, तो इट्स क्वाइट एंगेजिंग एंड खेलने वाला, बहुत ही अच्छा फन एक्टिविटी है। यहाँ पे समायरा खेल रही है, समायरा व्हाट यू आर प्लेइंग दैट, से हाय, ओके वेरी गुड, नाउ सिलेक्ट योर गेम। यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत ही अच्छा है, कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है, तो जैसे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, नहीं खेल पाते, तो वो आपको हेल्प भी कर देते हैं। यहाँ पे एक है, एक है, दो है, सो लेट्स हैव अ टूर फर्स्ट। तो यहाँ पे ये ऐसे खेलने वाले यहाँ पे दो बनाए हैं छोटे छोटे, ये भी है टॉडलर्स के लिए, एंड ये जो वीआर गेम टाइप जो अभी हमने देखा ये भी एक वीआर गेम टाइप है, हर चीज़ यहाँ पे दो है। सो ये प्ले स्कूल टाइप बनाया हुआ है, सो यहाँ से स्लाइड करके अंदर जा सकते हैं, सो हम लोग ये खेलेंगे। एंड यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल है तो बच्चे यहाँ पे अंदर जाके खेल सकते हैं, यहाँ पे ये सब खेल सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बैंड मार्केट वगैरह बनाया हुआ है, सो ये है ट्रैम्पोलिन का, यहाँ पे प्रनील रेडी हो रहा है गेम नीचे पकने के लिए, यहाँ पे स्टिक वाला है, यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो, सो गो गो शमारा जंप, यहाँ पे जंप कर सकते हैं, देन वहाँ पे स्टिक हो जाएगा, सो लेट्स सी कैसे होता है। वहाँ पे वेलक्रो लगाया हुआ है, सो ये स्टिक हो जाएगा वहाँ पे, समारा का पाइजे तुला, ये पूरा सैंड का एरिया है, पूरा सैंड है यहाँ पे, देन यहाँ पे भी प्ले एरिया है बच्चों के लिए कुछ, समायरा कुठला गेम खेळते तू, समायरा गो 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 इनसाइड, क्या है, वाह, हाँ ड्रेस डाल, फायर ब्रिगेड, तो समायरा रेडी हो चुकी है एज अ फायर फाइटर, समायरा बाहर नहीं समायरा, अब जा रही है डॉक्टर बनने, समायरा डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, अब डॉक्टर का ड्रेस, समायरा बिकेम अ डॉक्टर, समायरा हेलो डॉक्टर,
ओह वेरी नाइस समारा, इट्स टू बिग प्ले एरिया, बहुत ही बड़ा है, वेरी एंगेजिंग एंड एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा। अब भूख लगी है तो अब हो गया मील टाइम, तो हम लोग आ चुके हैं अपना मील लेने के लिए, तो लेट्स सी क्या है मील में। मैंगो जूस, चॉकलेट बर्गर, ओके सेम है ना, ओके चीज है। समारा काय काय ते छत मील लेने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खेले बच्चे, एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम लोग पहुँचेंगे अभी बर्ड पार्क में। तो अब हम लोग आ चुके हैं वहीं पे, बर्ड पार्क है जहाँ पे सेलवल जहाँ पे हम लोगों ने टिकट्स लिए थे, तो यहीं से हमने अभी बर्ड पार्क का भी टिकट ले लिया। यहाँ पर पर्सन 600 रुपीज़ टिकट है, तो अब यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाने वाले। एंड यहाँ पे जो कैमरा के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना है वो है 250 रुपीज़, तो यहाँ से अभी हम लोग एंट्री कर देंगे। यहाँ पे आते ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी लग रही है, बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन किया हुआ है। बर्ड्स है तो फिर यहाँ पे पेड़ पौधे तो होने ही चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेंटेन करा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के बर्ड्स, स्पेशीज के बर्ड्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे आपको नेम्स बोर्ड्स वगैरह भी दिख जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख के उसी हिसाब से अंदर जा सकते हो। ये बर्ड पार्क जो है ये 400 एक्जॉटिक बर्ड्स का होम है, ये 1.5 एकर्स में फैला हुआ है। जैसे कि मैंने बताया 400 प्लस बर्ड्स है, 50 स्पेशीज से भी ज़्यादा स्पेशीज है यहाँ पे। कौन सा बर्ड है भैया? अभी कैसा ये कलरफुल दिख रहे हैं गर्मी के टाइम, और बारिश के टाइम डल हो जाएगा, फीमेल जैसा दिख रहा है वैसा ग्रे कलर का हो जाएगा। ये जो बर्ड पार्क है ये पूरा वेल प्रिजर्व्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो नेट का मेश कवर यहाँ पे इन्होंने लगा दिया पूरा ऑल ओवर, ऊपर की साइड में भी है ताकि बर्ड्स ऊपर मतलब यहाँ से बाहर ना जा सके। एंड यहाँ पे ये इन्होंने छोटे हट टाइप बनाया है जो है कॉकटेल एंड मॉकटेल नाम दिया है, तो इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ से ये टूर मॉकटेल, इनके नाम कॉकटेल एंड मॉकटेल। शमायरा भाग रही है, जो फीमेल होती है ग्रे कलर में होती है, ओके। और ये है येलो गोल्ड फेजेंट, येलो गोल्डन फेजेंट, ये भी आपको केज में इधर ओपन में बहुत सारे बर्ड्स हैं। टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, और ये है सिल्वर फेजेंट, सिल्वर देखने भी मिलेगा। यहाँ पे ये कोकाटोस, ये जो व्हाइट बर्ड है ये यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको कहीं भी आप देख सकते हो। मम्मा, कोकाटोस है लेकिन अलग अलग स्पीसी। अच्छा, कोकाटोस नहीं, व्हाइट कलर, ओके। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे स्पीसीज है, बहुत सारे टाइप्स के बर्ड्स है, तो ये सारे टाइप्स आपको इजीली देखने मिल जाएंगे, आपके सामने ही रहेंगे ये सारे बर्ड्स। एंड इनकी जो सारी डिटेल्स होती है वो सारे वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो आपको प्रॉपरली बता देंगे, सो आप भी उनसे ये सारी डिटेल्स से जानकारी उनसे ले सकते हैं। समारा बोलता हूँ
जाऊ नको समारे चाऊन गेल ते नको जाऊ हे बघ समोर किती बर्ड्स आहेत बच्चे से परेशान होते ही हे गुस्सा हो गया यहाँ पे ये स्टेडियम है, यहाँ पे 10-15 मिनट्स का ये इनका सेशन होता है जहाँ पे बर्ड्स के बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बहुत ही अच्छी होती है, इंटरेक्टिव होती है, तो आप वो ज़रूर अटेंड करिएगा। एंड देन ये भी ज़रूर मिस मत कीजिएगा जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं, ये है बर्ड्स को फीड कराने के लिए। तो ये आपका ऑप्शनल है, आप इसको एक्स्ट्रा टिकट भी है इसका, जैसे कि पर पर्सन 100 रुपीज़, बट इसको एन्जॉय ज़रूर कीजिएगा। हमने भी यहाँ पर एन्जॉय किया। तो ये रही हमारी कुछ पिक्स। तो ये सब होने के बाद हम लोग निकल पड़े। तो जब एग्ज़िट करते हो आप, तब आपको ये वाला जो शॉप है ये लगेगा वहीं पे। तो यहाँ से आप कुछ बर्ड पार्क की कुछ चीज़ें जो लाइक स्टैचू टाइप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये ख़रीद के घर ले जा सकते हो। तो ये था आज का ये वीडियो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।